मंडी का सबसे बड़ा जानवर, इनका कहना है कि मंडी का सबसे बड़ा जानवर है। अस्सलाम वालेकुम। केक कासिम लेके आए मेरे लिए, तो केक भी खाएंगे। दूसरा भी व्लॉग बनाने जा रहे हैं हम मवेशी मंडी इस्लामाबाद की, जो है प्राइसेस क्या हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी जो है मैं ये केक खा लेता हूँ, केक को टेस्ट भी करते हैं, इसका रिव्यू भी दे देंगे कि है कैसा केक है, कैसा है। चॉकलेट केक है, अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेफ्टी हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड से ही जो है कहूँगा, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। सो द केक इज़ रियली टेस्टी, यू नो इट्स अमेजिंग। आई मीन इट्स फुल ऑफ चॉकलेट, द फाउंडेशन इज चॉकलेट, देन चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट। थैंक यू कासिम फॉर दिस wonderful cake. It was too heavy. I mean, I had already lunch. After lunch eating this kind of cake is really tough job. आज मैं और मेरा दोस्त सैयद ज़हीर अहमद हम लोग जा रहे हैं मवेशी मंडी, और देखते हैं वहाँ पर रेस क्या चल रहे हैं मंडी में। रास्ता जो है खासा ख़राब है, आपको दिखाते हैं कि मवेशी मंडी जाने के लिए ये रास्ते की दुश्वारियाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब ये दुश्वारी आपको हर हाल में पार करनी है। तो इसमें हाउ हाउ वी विल क्रॉस दिस मंडी। ये हाल है टायर का, पीछे आपने जो मर्ड देखा है उसकी वजह से टायर कुछ करा। फाइनली अनपैक मेहनत के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मंडी, और इस्लामाबाद मवेशी मंडी I-14 सेक्टर इस्लामाबाद। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मवेशी मंडी। थोड़ा सा आपको ये बता दें, इस बार इस्लामाबाद की जो मवेशी मंडी है रावलपिंडी इस्लामाबाद की, वो लगी है I-14 सेक्टर में, IJP रोड से आते हुए जो है उस पर जो है ना आपको मंडी मिलेगी, कोहिनूर मिल के ऑपोजिट जो I-14 सेक्टर है वहाँ पे। पहले I-11 में लगती थी, इस बार वो उधर नहीं लगी, इस जगह शिफ्ट हो गई है। ये आपको थोड़े से दिखाते हैं जानवर, बड़े जानवर। कासिम कौन सी नस्ल के हैं ये? गुवाहाटी नस्ल। नहीं नहीं, गुवाहाटी नहीं है ये भाई, ये थोड़ा कैमरा शाही है, वो शर्मा रहे कैमरे से। ठीक है, तो मैंने कहा चले आप कैमरे पे नहीं आएंगे,
हम आपसे सिर्फ पूछते रहेंगे। अच्छा भैया ना बताएं ये कौन सी नस्ल है? गपले नुकरे। गपले नुकरे राजनपुर की। अच्छा इनकी कीमत क्या है? इनकी दोनों की 16 लाख। दोनों की 16 लाख। अच्छा 8 लाख एक की है। और ये दोंदे हैं? दोंदे की। इस वाले की बताएं, इसकी हाइट लंबी है, बड़ा लग रहा है? इसके 5.5 लाख। 5.5 लाख दोंदे चौगे दोंदे। अच्छा माशाल्लाह। ये बड़ा अग्रेसिव है। कुछ भी नहीं है वैसे यार, कुछ भी नहीं है। चौके हैं ये दोनों चौके हैं। और इसी दोनों की 18 लाख। 9 लाख एक ही है। ये दोनों जो है जोड़ी है या सिंगल भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। दोनों की 18 लाख कीमत है, एक की जो है 9 लाख है। डिमांड 9 लाख है, बाकी जो भी ऊंच नीच हो जाएगी निगोशिएट करने के बाद हो सकता है 7 लाख का। ये आप हमारे पीछे फर्स्ट एड कैंप देख सकते हैं। पिछले सालों में मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी ऐसा जो है कैंप देखा हो, इस बार जो है ये फर्स्ट एड कैंप लगा हुआ है। तो अच्छी एक सहूलत है यहाँ पे जो व्यापार है उनके लिए, किसी मवेशी को, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं मौसम बारिश वाला बना हुआ है। बारिश होती है तो यहाँ पे, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है और फिर ज़्यादा कीचड़ जो है वो बन जाता है। कीचड़ के बाद जो है मवेशी और वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए जो फर्स्ट एड डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ होगी वो ज़रूरी होती है। तो इस बार ये कैंप लगा हुआ है तो अच्छी एक जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से जो है इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है व्यापारों को। ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये चारा बंदर हैं, इनके ऑनर हैं, इनका ये स्टॉल है, इनसे बात करते हैं कि चारा किस तरह दे रहे हैं, किस तरह कहाँ से लेके आते हैं सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आपने तेज बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सदर सिंह। अच्छा किस इलाके से हैं आप? पेड़ कहाँ पे? पंजाब जी। ये I-16। अच्छा I-16 से हैं जी। ठीक है, आपके चारे का स्टॉल है यहाँ मंडी में जी। जी तो किस तरह दे रहे हैं चारा? ये 400 रुपये मन। 400 रुपये मन जी। ठीक है, और आपको पीछे से कहाँ से मिलता है, किस तरह मिलता है, कोई दुश्वारी वगैरह होती है कि नहीं? बस कभी हो जाती है, जैसा देखेंगे आप, खत्म हो गया, शार्ट हो गया, इस तरह हो जुलना कभी। अच्छा ऐसा भी। तो ये गोंदौर से मंगवा रहे हैं। अच्छा 300 इस तरह आ रहा है मन, आपको बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो आगे 400 रुपये मन आप दे रहे हैं जी। कोई आपको दुश्वारी वगैरह कोई नहीं? कोई नहीं, इंतजामिया की तरफ से भरपूर तावन किया जा रहा है। इंतजामिया बहुत, ठेकेदार साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, खास करके मतलब सरशाह साहब, गुलाम मुस्तफा बलोच साहब, बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं वैसे इस बार हम खुद देख रहे हैं मंडी पिछले सालों की निस्बत इस बार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सहूलियात बहुत अच्छी थी। नहीं बहुत, हम तो रोजाना देखते हैं, माल वालों के साथ भी बहुत अच्छा था, उन करते हैं, बिजली पानी सारी चीजें मौजूद है। चले बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ बात की। दूसरा भाई ने हमसे जो है पानी चाय पानी का पूछा, तो बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट चल रहा है इसका? कितने का दे रहे हैं आप ये जानवर? 3 लाख। अच्छा ये चौगा है। और
6 माह। और नस्ल कौन सी है? बन्नी नस्ल का ये है जानवर जो कि 3 लाख इनकी डिमांड है। माशाल्लाह जानवर खूबसूरत है और ये भी थोड़ा अग्रेसिव हुआ है ना, दो मिलाई जा रहा है। ये एक मासूम सा जानवर यहाँ पे खड़ा है, इसको थोड़ा सा प्यार करते हैं। ये माशाल्लाह इनका कहना है कि मंडी का सबसे बड़ा जानवर है, ठीक है। बाकी अभी तक हम जितना हमने देखे हैं ये माशाल्लाह सबसे बड़ा है। अच्छा रावलपिंडी का है, लोकल यही क्या? अच्छा मुल्तान से आया। अच्छा इसका वेट कितना होगा? इसका वेट 30 मन। 30 मन। अच्छा इसकी खुराक कितनी खा लेता होगा? खुराक ये खा लेता है 5 लीटर दूध पीता है ये। अच्छा दलिया वगैरह खाता है। अच्छा तकरीबन मेरे ख्याल से 15 किलो की खुराक बन जाती है एक टाइम में। अच्छा और इसकी डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड है 18 लाख। अच्छा ये आपने खुद पाला? ये बताएं धोंदा है चौगा है? ये चौगा है। चौगा है। अच्छा माशाल्लाह जानवर बहुत जबरदस्त है। अच्छा दूसरा ये बताएं मंडी तो अभी स्टार्ट होगी है तो लोग आ रहे हैं, खरीदारी लोग कर रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं लोग, अभी तो फिलहाल पूछ की जा रहे हैं इसका। अच्छा अभी मतलब आपका कोई जानवर बिका नहीं है? नहीं बिके हमारे और जानवर बिके हैं इधर ही मंडी में। इधर ही बिके हैं मंडी में। अच्छा वजन इसकी हाइट कितनी है? 6.5 फुट है। 6.5 फुट। 6.5 फुट हाइट। कासिम साथ में खड़ा हो जरा, वजन थोड़ा करीब जा। जाओ जाओ नहीं बोलता भाई यार, इधर ही हम राजा। ये लो नस्ल कौन सी है इसकी? ब्राह्मण। चले अल्लाह करे कि आपको कोई अच्छा गाहक मिले और आपका जानवर जो है अच्छे दामों में बिक जाए ना। आमीन। एनएफजीआई जिंदाबाद। एनएफजीआई को सब्सक्राइब करें। अच्छा तो बताएं आप मंडी में क्या करने आए हैं? मंडी में घूमने फिरने आए हैं। अच्छा जानवर देखने आए हैं। अच्छा तो भी पसंद आया कि नहीं? वो इतने महंगे महंगे दे रहे हैं छोटे छोटे। अच्छा कितने क्या कीमतें चल रही हैं? वो छोटे का 40 लाख का लगता है, 1 लाख 40 का। अच्छा जियो ग्रेट होना फिर। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं ये फिर बताई मोड़ से। घर बता के आए हो कि नहीं? बता गए। अच्छा नहीं नहीं ये अच्छी बात है क्योंकि अभी आपकी उम्र छोटी है और आप काफी दूर आए हो। क्यों? नहीं नहीं यहाँ शहर बड़ा करीब है। करीब है। पैदल ही आए हो? पैदल आए हो। कुर्बानी का जानवर ले लिया या अभी लेना? कुर्बानी का जानवर ले लिए, इन्होंने ले लिया सिर्फ। अच्छा जबरदस्त ठीक है। ये मंडी का सबसे बड़ा जानवर है और ये मंडी का सबसे छोटा जानवर है। ये वाला इस टाइम जो है एग्रेसिव हुआ और दूसरा इसका सौदा भी चल रहा है। वो कितना बोल रहा था? 1.90। तो 1.90 काफी महंगा बता रहा है। चले ओवर टू यू कासिम। अभी तक हमने आपको मंडी का सबसे बड़ा जानवर दिखाया और अभी जो है मैं मंडी का सबसे छोटा जानवर भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये मुझे इस टाइम मंडी का सबसे छोटा जानवर लग रहा है जो मैंने देखा है अपने इसमें जब से हम आए। छोटा नहीं है वही बड़ा है। 1,50,000 इसकी कीमत है। ये खुद पाला आपने? कासिम की आंखों का धोखा था, वो सबसे छोटा जानवर मंडी का ये है। जरा बने
आपने जो भी वो छोटे वाले जानवर देखे हैं, कितने पैसे मांग रहा था? वो 90,000 मांग रहा था। 90,000 आखिर में उसने 70 के माने उसको गया तो मेरे साथ है कि बाद में उसको मैं 50,000 का दिलाऊं, कहते 50,000 का दे दो और दो फ्लोर में आपको दे 2,000 जाने के लिए। मैं हमने उसके साथ कंट्रारी किया था कि चलो बाबा सर 15,000 से माने की कुछ चीज होती है। हां बहुत महंगाई है, बहुत बहुत महंगाई है। ये आप देख सकते हैं मंडी में ऊंट। तो चाचू से बात करते हैं कि कौन सी नस्ल क्या है, क्या इसकी प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं चाचू आप? ठीक है। अच्छा पहले ये बताएं कि कौन सी नस्ल का है ऊंट? दा गुलामानी। गुलामानी? गुलामानी। अच्छा किस इलाके से है, मतलब किस इलाके में ये? सिंध साइड की है? बलूचिस्तान। अच्छा बलूचिस्तान का। ये इस टाइम बहुत खतरनाक तरीके से देख रहा है। अच्छा। मारता तो नहीं है? नहीं मारता तो नहीं है ना। अच्छा इसकी क्या कीमत क्या कहते हैं? कीमत 2,80,000। 2,80,000। 2,80,000। इसका वजन वैसे कितना एक होगा? वजन तकरीबन 10-12 मन। 10-12 मन ठीक हो गया। ग्राहक आते हैं आपके पास इसके लिए, ऊंट के लिए? अभी तक मंडी में आपका कोई ऊंट खरीदार ने लिया? खरीदार बहुत खरीदार है। अच्छा माशाल्लाह। सही। और कोई परेशानी तो नहीं आपको मंडी में? परेशानी नहीं है। चलें बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत अच्छा लगा बात करके। ठीक मेहरबानी, शुक्रिया। माशाल्लाह से मंडी में अगर बकरों के हवाले से देखा जाए सबसे अच्छे बकरे हैं ये। रेट के हवाले से माल जो है बहुत महंगा है। अच्छा महंगा है। महंगा इस वजह से है कि कुछ चीज महंगी है मंडी में। अच्छा, अब लेने वाला जो वो परेशान है कि महंगा है, बेचने वाला जो है वो परेशान है कि मैं क्या करूँ। अच्छा मंडी में यहाँ पे आपका जानवर बांधने के क्या चार्जेस हैं और क्या खर्चा पड़ा? खर्चा पड़ा इनका ये है कि 2,000 इन्होंने पर्ची दे दी।
2000 फीट डेली डेली नहीं एक दिन की अच्छा एक दिन की मतलब एक जानवर एक दिन की ये पक्का एक दिन एक जानवर अंदर इन हो गए 2000 ले लिया अब मैंने दो मकसद बकरे अंदर आके 2 लाख रुपए इनको दे दिए वहाँ में बकरा बेचा है या नहीं बेचे 2000 2 लाख अच्छा चाचा जी आप आए कहाँ से हम तलागंज से अच्छा तलागंज से कितने जानवर लेकर आए हैं कोई 80 बाकी हमारे गांव में खड़े हैं डुल्ली जानवर मेरे पास 150 जानवर 150 जानवर खड़ा अच्छा ये आपकी अपनी घर की ब्रीड होती है या नहीं हम कोई 30-40 घर का है बाकी हम बाहर मंडी से चौक आजम फतेहपुर से दिला सकते और अच्छी मारे पुत्र रसी बजे भी जानवर बेचे जो घर के पाले वो 14-15 उनका तो नफा नहीं देखा ना भाई थोड़े दे रही है बहू जो घर के दे लेकिन जो बाजार से खरीदे फिलहाल कोई अच्छा चाचू इस बार मंडी का क्या मतलब सही मिल रही पानी जो है ना पानी सही दे रहे हैं टाइम दे रहे हैं बिजली सही शाम को रात को सारा दिन होती है और दुआ है एक हमने ठेके ठेकेदारों का दूसरा तीसरा एक कि जो ठेकेदार है वो टाउन सही चल रहे हैं मकसद 2000 पर्ची ले रहे हैं उन्होंने ठेके लिया 7 करोड़ 80 लाख का वो तो पैसा उन्होंने लेने हमारे समझ गया ना हमारे बिके ज्ञान में कि वो तो बिल्कुल जरूरी है समझ गया दूसरा ये है कि ठेकेदार को जिस वक्त भी कहे तो बलोच को उसी वक्त जो है वो गाड़ी दबा कर आ जाता है क्या तकलीफ है जगह की तकलीफ है कोई कोई मसला ठेकेदार का नाम क्या है अच्छा ये हमारे भाई यहाँ पे जानवर लेने के लिए आए थे मंडी में उनसे पूछ लेते हैं कि मंडी में जो प्राइसेस है जानवरों की किस तरह की इनके क्या एक्सपीरियंस रहे आज के दिन अस्सलाम वालेकुम भजन बताएं कि आज आप मंडी आए हैं आप मंडी घूमे फिर हैं कोई जानवर मिला आपको कि नहीं रीजनेबल यार मंडी के रेट पहली बात तो है बहुत ज़्यादा है पिछली बार अगर फर्ज करें अगर जो जानवर था मतलब 2.5-3 लाख रुपए का वो जानवर तो 6-7-8-10 के ठीक है और जो पिछली बार था मतलब 1.5-2 लाख वो यहाँ पे जानवर अभी इस टाइम 3-4 लाख से नीचे मतलब लाख छोटा छोटा अगर बैल आपको दिखाया जाए वो सामने आप देख सकते हैं वो सामने बैल जो है ना उनकी डिमांड 1.5-1.5 लाख रुपये मतलब कि इतनी महंगी मंडी इन्होंने इसलिए की हुई है क्योंकि ये जो जगह जिसकी ठेकेदार की जगह जिसने ठेका लिया हुआ है इस जगह का वो अगर इस जगह का 3.5 लाख रुपया ठेका है अच्छा ये अब मंडी किधर तक 3.5 लाख रुपया ये देंगे इस जगह का ठीक है और इन इस वजह से इन्होंने ना जिस वजह से ठेकेदारों ने यहाँ पर छोटी छोटी जगह का इतना रेट इनको किया हुआ ना इसलिए वो हमसे निकालेंगे अगर ये रेट इतना ज़्यादा ना करते तो ये जानवर इतने महंगे ना होते समझ आइए अगर अभी देखा जाए तो अगर आप मोटा गोश्त अभी किस तरह मिल रहा है पहले कितने का था और अभी कितने रुपए किलो मिल रहा है रेट उसका बढ़ा ना इसी वजह से आप इसका भी डंगरों का रेट भी बढ़ गया अलबत्ता मैं कहता हूँ कि जो रिचेस्ट मतलब जिनके पास पैसा है वो लोग ले सकते हैं जो मतलब गरीब हमारे जैसे गरीब लोग हैं वो बहुत मुश्किल से ले सकते हैं समझ आइए अभी 1.5 लाख रुपए का हम अच्छा भला जानवर ले लेते थे अभी तो 1.5 लाख के हमें ये छोटे छोटे ही मिलेंगे इस तरफ तो हम सोच भी नहीं सकते ये हम सोच भी नहीं सकते ये छोटी हमने इसलिए उठाई भी है क्योंकि अच्छा। वो भी हमारी छोटी सी एक जगह डेरा लगा हुआ है अच्छा। हमने थोड़े से जानवर लाए हैं अच्छा। तो अभी कुछ अपने लिए भी खरीद रहे हैं कुछ औरों के लिए भी अपने जब लाए हैं उसी में से निकाले अपने तो खुद अपने जाति तो नहीं लाए हैं कुछ कज़न है वो लोग लेके आए तो अभी हम तो मंडी सारी के अपने लिए जानवर लेने आए थे थक गए थे तो अभी इधर आके बैठे हैं इसलिए डंडा उठा लिया अब आखिरी स्टेज ला के चले हम दुआ करते हैं कोई अच्छी कीमत में आपको जानवर मिल जाए ठीक है चले बहुत शुक्रिया अच्छा लगा आपसे बात करके अस्सलाम वालेकुम सलाम करें क्या नाम है आपका बोलना
आपका क्या नाम है? बोलना इधर इधर आज मेरे पास आज ये छोटा बच्चा जो है मंडी में आया हुआ है, तो बताए इसको कौन सा जानवर पसंद? अच्छा बड़ा जानवर। अच्छा अब दोबारा आपका नाम क्या है? कान में मुझे बताओ, कान में बताओ है? क्या नाम है? अजान। अजान क्या? अजान, माशाल्लाह। छोटू का नाम अजान है और इसको जो जानवर पसंद है बड़े वाले जो बड़े जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो उसको पसंद है। किधर है आपका जानवर? घर में। अच्छा घर में है। इधर आप खरीद के खरीदी जी? साढ़े तीन लाख का। अच्छा नहीं, आपसे ज़रा बात करते हैं। आपने नवे का? अच्छा इन भाई से ज़रा बात करते हैं, इन्होंने जानवर लिए नवे में और किस साइज का? इसी साइज का। अच्छा तो बताए आपने जानवर कहाँ से लिए? अब्दाबाद से। और इधर ही लेके आए हैं? इधर नवे लाख साढ़े तीन लाख। लेके आने की कॉस्ट भी है गाड़ी है अपनी। अच्छा अपनी गाड़ी में लेके आए, ठीक हो गया। इधर बकरे का मांग रहे हैं 75-80। इधर मैंने जो इधर 75-80 क्या, मैंने 25 का उधर 25 का आपने बकरा लिया है। जो इधर लाख से ऊपर है उसका मैंने उधर 37,000 लगाया है। अच्छा वो बंदा फाइनल 41 पे गया। अच्छा उसने मुझे बोला सिर्फ 800 रुपये वजन के हिसाब से मुझे गोश्त के पैसे दे। अच्छा वजन के हिसाब से 800 रुपये किलो के हिसाब से मुझे गोश्त के पैसे। मैंने बोला मैंने जो 37 बोल दिया ये। अच्छा देखो उसमें गोश्त बहुत 2 मन के करीब था। अच्छा फिर तो 41 बंदे थे वैसे। 40 मैंने उसको 37 लगाए। अच्छा वो 40-41 पे आ गया। इधर उसका 1.5 लाख। अब ये गुमल है ना, हमने ये जा रहे हैं पता चला। अच्छा। नहीं तो आपने अपने लिए अब्दाबाद से ले आते दुम्बा भी तो सस्ता मिलता है। हाँ ना। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि तकरीबन क्या टाइम हो रहा है, 7 बज गए हैं बल्कि 8 बजने वाले हैं अभी तक। हम इधर मंडी में मौजूद हैं, तो थ्रू आउट मंडी सारी हमने घूमी है, बड़े जानवर बैल ऊन छोटों में बकरा दुम्बा सारों के साथ जो है ना हमने बात वगैरह की, प्राइसेस का पता किया कि मंडी में जो है ना इस टाइम इस बार जानवरों की कीमतें की हैं। ऑनेस्टली बताया जाए तो मतलब जानवरों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, मतलब एक नॉर्मल रेट जो चल रहा है 2-2.5 लाख से तो शुरुआत है जानवर की, ठीक है, नॉर्मल से जानवर की। और अच्छा जानवर जो है वो तकरीबन 5 लाख 6 लाख 8 10 तो ऊपर ऊपर जा रहे हैं प्राइसेस। जो छोटे जानवर हैं जो 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख तक में दे रहे हैं वो इतने छोटे हैं कि मतलब आप कहेंगे उसमें साथ ही से तो क्या 2 बंदों के हिस्सों के मुताबिक वो जानवर पड़ता है।
तो वो भी कोई नहीं बाय कर पा रहा, क्योंकि 700 में इतना छोटा जानवर किस तरह कोई ले ले अपने लिए ना, थोड़ा सा लाइट में आ जाती है। और इसके अलावा ठेकेदार साहब से हम बात करना चाह रहे थे, मुस्तफ़ा बलोच यहाँ पे होते हैं, तो खैर उनसे बात नहीं हो सकी, वो विज़िट पे चले गए थे। हम पहले उनकी टीम के बंदियों से मुलाकात हुई, वो कहते हैं आप उन्हीं से डायरेक्ट बात करें, तो हम आए उनके ऑफिस, लेकिन वो उनके कुछ गेस्ट आए हुए थे, वो उनके साथ विज़िट पे चले गए, तो वो कह रहे थे वेट कर लें तो आ जाते हैं, अब टाइम लेट है, हमें भी जाना है वापस, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकी। बहरहाल ये कि उनकी तरफ से जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं व्यापारों को वो बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ जो है ना प्रोवाइड की गई है इनको, पानी हो गया, हाँ स्टॉल्स थोड़े महंगे हैं, ये चीज़ है कि लाखों में जो है ना स्टॉल्स की प्राइस है, तो उसकी वजह से असर पड़ा जानवरों की प्राइस पे, क्योंकि व्यापार कहते हैं अगर हम 3 लाख रुपए पर स्टॉल दे रहे हैं या 4 लाख दे रहे हैं 5 लाख दे रहे हैं, तो हमने कहाँ से पूरा करना है, नहीं जानवरों से हमने वो पैसे बनाने पूरे करने हैं, तो उस वजह से जो जानवरों की कीमतें हैं वो तकरीबन कह लें कि उनमें बहुत इजाफा आ गया, एक एक जानवर में जो है ना इतना इजाफा आ गया कि वो उनकी कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं। तो खैर अभी तो शुरुआत है, 2-3 हम चाह रहे थे कि हमारे सामने कोई ऐसी सौदा वगैरह हो रहा हो तो हम वो रिकॉर्ड करें आपको दिखाएं, लेकिन अभी चूँकि स्टार्टिंग के दिन है, अभी मंडी लगी है, तो अभी उस तरह का लोगों का रुझान ही, लोग जिस तरह विंडो शॉपिंग कर रहे हैं तो उसी के लिए आ रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि मंडी की कंडीशंस क्या है ना, उस टाइप की कोई वीडियो नहीं बना सकी, एक दो सौदा हो रहा था उनके किया उनकी बात नहीं बनी, क्योंकि छोटे छोटे जानवरों के वो 1.5 लाख 2 लाख मांग रहे हैं ना, तो वो चीज़ नहीं। बाकी मंडी हमने घूमी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं मंडी में, उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हाँ ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।